आई होप आप लोगों को नजर आ रही होगी, सिर्फ थोड़ा सा कंफर्म कर दें रमेश जी, नजर आ रही है सर, बिल्कुल। जी। तो देखें, आप सबसे पहले जब एक क्रोम पे कोई भी टैब खोलेंगे तो यहाँ पे सिंपली आप लिखेंगे streamyard.com, तो उसके बाद ये आपके पास पेज खुल जाएगा। तो आप फिलहाल इस चीज को इग्नोर कर दें क्योंकि आपका फ्रेश नहीं होगी। आपके पास ये टॉप लेफ्ट पे होते हैं दो, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको डेस्टिनेशन में जाके अपनी एड डेस्टिनेशन करनी होगी, कि यानी कि आप यानी ये लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ पे यानी ट्रांसमिट करना चाहते हैं या ऑन एयर करना चाहते हैं। तो आपको जी यहाँ जी पे सिलेक्ट करना होगा फेसबुक प्रोफाइल, सपोज आपने फेसबुक पे करनी है। अगर यूट्यूब पे करना चाहते हैं यूट्यूब क्लिक करें, पेज पे करना चाहते हैं फेसबुक के। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने लिंक्डइन भी दिया हुआ है, तो आप लिंक्डइन पे जी पोस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से सपोज आपने सिलेक्ट किया कोई भी प्रोफाइल, क्लिक किया, ये अभी इस वक्त मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का नहीं है तो वो आपका नाम ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा सर्च कर लें, कनेक्टेड कर लें, जिस तरह हम ये सेशन ज्वाइन करने के लिए अलाउ कर दें तो आपका अकाउंट इसके साथ लिंक हो जाएगा। जी डेस्टिनेशन जब एक मर्तबा बन जाती है तो वो यहाँ पे शो होती है, जैसे इस वक्त मेरी हो रही है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट पे आएंगे, क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रोफाइल सपोज आपका आ जाएगा, आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप टाइटल दें जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। जी सपोज हमारा है डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसके आगे लिख दें जो भी आज का टॉपिक गपशप। और उसके बाद आप यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें, लिंक जैसे हम लिखते हैं ज्वाइन अस फॉर लिंक, ठीक है, वो लिख दें। कोई ग्रुप ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह यहाँ लिखने के बाद क्रिएट अ ब्रॉडकास्ट आपने क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टूडियो में आप आ जाएंगे। जब आप आ जाएंगे तो इस तरीके की होगी, आप अपना नाम लिखें। मेरी गुजारिश और सजेशन यहाँ पे ये है कि नाम शॉर्ट एंड स्मार्ट लिखें, ताकि अगला बंदा जो पढ़ रहा हो उसको आसानी से समझ में आ जाए। और जी अगर सपोज मैं यूएसए लिख देता हूँ तो इससे ये पता चल जाता है, टाइम बच जाता है लोगों को ये सवाल पूछने के लिए आप कहाँ से हो। जी बिल्कुल ये करने के बाद आपने एंटर कास्ट करना है, उसके बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा। जी इसमें आने के बाद आप इसमें में कोई भी अगर टिकर चलाना चाहते हैं, ठीक है, वो जी यहाँ पे आप ऐड बैनर करें, कुछ भी लिखें, सपोज डिजिटल से जी भी आप लेना चाहते हैं और आप कहते हैं कि वो स्क्रोलिंग में हो यानी रनिंग में हो तो आप जी जी करना होगा, ठीक है। जी उसके बाद आपने सपोज ये हमने सिलेक्ट किया तो आप ये देखें नीचे से मेरा टिकर चलना शुरू हो गया। जी और उसके बाद बैनर में आ जाते हैं, यहाँ पे आप कलर स्कीम चूज कर सकते हैं, अपना लोगो दे सकते हैं। अभी मेरे पास प्रो वर्जन है, अगर आप फ्री वाला यूज कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ यही लोगो शो हो रहा होगा इनका। जी ये डिफरेंट थीम्स हैं, कैसा होना चाहिए आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्राइवेट चैट है, प्राइवेट चैट का मतलब ये होता है जो भी आपके इस वक्त स्टेज पे ऑन एयर हैं वो आपस में अगर एक दूसरे को कोई मैसेज देना चाहते हैं विदाउट लाइव, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। तो जो आपके साथ सपोज चार दोस्त हैं तो वो आपस जी देख सकते हैं, और ऊपर जी आपके लाइव कमेंट आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप लाइव कमेंट्स ले सकते हैं, अपना कैम जी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और दूसरी बात, सपोज आपका अभी मैं हूँ बैक स्टेज पे, सपोज आपने स्टेज पे जाना है जी तो सिंपल आपने क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेज पे आ जाएगा बंदा। जी ये नीचे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट स्क्रीन्स हैं, मल्टीपल यूजर्स आते जाएंगे, आप उनकी कैसे भी करें, जैसे आपने देखा होगा हम तस्वीरें आगे पीछे हमारी पिक्चर्स हो रही होती हैं। जी और दूसरा बात यह है कि इसी में एक ऑप्शन है शेयर स्क्रीन का, जैसे जी इसको मैंने क्लिक किया हुआ जिसकी
मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। जी इसमें दो ऑप्शन हैं, फोटो के साथ यानी स्क्रीन शेयर या इस वक्त मैंने ओनली स्क्रीन किया है तो ये आ रहा है, तो उसका मैं जी थोड़ा जी सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ये सब चीजें बेसिक हो गई। सेटिंग्स में आप कैमरा ऑडियो अगर नहीं चल रही तो आप यहाँ से ऑडियो अपनी एडजस्ट कर सकते हो, नहीं जी तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन स्क्रीन का मतलब ब्लू या ग्रीन पीछे, अगर आप, अभी मेरे पीछे ब्लू है, अगर मैं जी सब इस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड मेरा चेंज हो गया। इवन बिल्कुल काफी लोग इस चीज से इंस्पायर होंगे, यार ये कैसे इसने चेंज किया, तो ये आप सेटिंग में जाके इजीली कर सकते हो। जी और अभी जैसे मेरा बैकग्राउंड ब्लू है तो ब्लू है, अगर आपके ग्रीन है तो आप ग्रीन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। और जी फेड का मतलब ये है, ये देखें अगर कोई चीज मुझे क्लियर शो नहीं हो रही तो मैं इसे सेटिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, फाइन ट्यूनिंग जिसे कहते हैं। जी जी कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। जी जी तो यही था आज का कि हम किस तरह स्क्रीन शेयर कर सकते हैं।